हे एवरीवन, तो तुम लोगों को सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 तो पता ही होगा। मैं वो नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। SS1 विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड मीटिंग्स की। बोर्ड मीटिंग्स में जब हम कुछ भी मतलब प्रोसीजर उसका क्या होता है और क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है, तो SS1 उसी चीज़ के बारे में बात करता है। लेकिन मैं क्या बताने वाली हूँ, मैं कुछ इंटरेस्टिंग बहुत ही शॉर्ट में फैक्ट्स बताने वाली हूँ, या फिर ऐसे कुछ रियल केसेस बताने वाली हूँ जो तुम्हें भी इंटरेस्टिंग लगेंगे SS1 से रिलेटेड। मैं पूरा SS1 तो बता ही नहीं रही हूँ, सो वो मत सोचना, ठीक है? अगर SS1 जानना हो ईजी लैंग्वेज में बहुत ही शॉर्ट, तो बताना मुझे कमेंट्स में, तो मैं उसके ऊपर काम करूँगी। ओके, तो अब ये देखो केस क्या है SS1 का। अ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 1 अप्रैल 2023 फॉर इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल। कब हुई? एट 2 PM वो हो गई है बोर्ड मीटिंग, ठीक है? बट जो डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है उसी कंपनी का, वांट्स टू इशू अनदर नोटिस फॉर अ मीटिंग ऑन द सेम एजेंडा। मतलब कि ऑलरेडी एक मीटिंग इसी चीज़ के ऊपर हो चुकी है, यही एजेंडा था इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल का। अब वो डायरेक्टर कह रहा है कि मुझे इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल पे 2 बजे मीटिंग हो गई है, मुझे फिर से 4 बजे या फिर नेक्स्ट डे मुझे फिर से मीटिंग चाहिए इसी चीज़ पे। तो मीटिंग तो ऑलरेडी हो गई है ना, तुम भी ये सोच रहे हो, तो क्या ये डायरेक्टर कर सकता है ऐसा फिर से? उसको उसी एजेंडे पर फिर से चाहिए मीटिंग? देखते हैं। सच अ स्टेप बाय द डायरेक्टर कैन नॉट बी जस्टिफाइड। ऑब्वियसली यार, बार बार, अभी एक बार हो तो गया ना पूरा डिस्कशन, फिर बार बार क्या उसी चीज़ पे इस डायरेक्टर को फिर से क्या डिस्कशन करना है? पहली मीटिंग अटेंड कर लो ना और उसी में डिस्कशन कर लो। सो इट इज़ नॉट जस्टिफाइड यार, बार बार सारे डायरेक्टर टाइम निकाल निकाल के थोड़े ना आएंगे डिस्कशन करने। अ डायरेक्टर कैन नॉट प्रोसीड टू कन्वीन अ पैरेलल मीटिंग। नहीं, अभी सेम एजेंडा पे 2 बजे मीटिंग हो चुकी है और उसको तुम कह रहे हो 4 बजे की मुझे फिर से कुछ चीज़ें छूट गई, मुझे फिर से करनी है मीटिंग। सो इट इज़ नॉट जस्टिफाइड यार, हो गया उसी टाइम पे जो भी बात बात करनी है कर लो, इट्स नॉट जस्टिफाइड सेम एजेंडा पे फिर से। हाँ, कुछ और एजेंडा है तुम्हारे पास तो फिर अलग बात है, तो तुम उसको प्रोसीड कर सकते हो, बट अगेन आई डोंट थिंक सो सेम एजेंडा पे नहीं होगा। SS1 में ऐसा है, ही शुड अटेंड द ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग। हाँ, जो 2 बजे बोर्ड मीटिंग हुई थी उसको चुपचाप अटेंड करो यार, उसमें जो भी तुम्हारे क्वेश्चन एंड डाउट्स हैं एज अ डायरेक्टर सब क्लियर कर लो, सबका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। पैरेलल बोर्ड मीटिंग मत होल्ड करो। सच पैरेलल बोर्ड मीटिंग कन्वेंशन विल बी इलीगल एंड डिक्लेयर टू बी नल एंड वॉइड। लेट्स से वो डायरेक्टर बहुत ज़्यादा मतलब सबको मैनिपुलेट कर लिया, उस डायरेक्टर ने कहा कि नहीं मुझे तो करनी है मीटिंग, तो नेक्स्ट डे फिर से सेम एजेंडा पर फिर से बोर्ड मीटिंग हुई, ठीक है? लेकिन SS1 क्या बोल रहा है, लॉ की आईज में जो फर्स्ट इससे सेम एजेंडा में जो पहले इससे पहले जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसी को वैलिड माना जाएगा। जो सेकेंड बोर्ड मीटिंग होल्ड कराई है इस डायरेक्टर ने, इसमें तुम कोई भी डिसीजन ले लो, कुछ भी कर लो, सो इट विल बी नल एंड वॉइड, क्योंकि ये सेम एजेंडा पे ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है, ठीक है? हाँ, एजेंडा के मटेरियल फैक्ट्स चेंज हैं तो अलग बात है, लेकिन सेम चीज़ पे ये नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट, बोर्ड मीटिंग कैन बी ऑन संडे, नेशनल हॉलीडे आल्सो, एंड एट एनी रिमोट प्लेस इन इंडिया और अब्रॉड। समझ रहे हो, बोर्ड मीटिंग को जब जहाँ जैसे मर्जी इलेक्ट्रॉनिकली फिजिकली रिमोटली कहीं भी आप होल्ड कर सकते हो, ये इतना बढ़िया बेनिफिट है। ज़रूरत नहीं है कि आप वर्किंग आवर्स में ही अटेंड करो, कभी भी आप कमेंट्स करवा सकते हो बोर्ड मीटिंग, जैसे भी टाइम हो आपके पास, क्योंकि हमें डायरेक्टर्स का कन्वीनियंस देखना है, ठीक है? दिन भर अगर वो काम करें, उनको बोर्ड मीटिंग का टाइम नहीं है, तो भाई सबने डिसाइड किया कि होगा यार 15 अगस्त हम सब फ्री तो हैं, चलो कर लेते हैं बोर्ड मीटिंग, तो हो जाता है। लेकिन जनरल मीटिंग में ऐसा नहीं होता, जनरल मीटिंग में आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट केस क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस प्रोवाइड स्पेसिफिक प्लेस वेयर बोर्ड मीटिंग विल टेक प्लेस। एग्जाम्पल, एट लखनऊ इन द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस। तो अगर आर्टिकल्स में वो जगह क्लियरली दी हुई है, तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके कहीं और उसे होल्ड कर रहे हैं, वो मीटिंग वैलिड नहीं होगी, क्योंकि आप आर्टिकल्स को सुपरसीड नहीं कर सकते। आर्टिकल्स में जो लिखा है उसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो वो हो जाएगा वॉइड। इफ एल्सवेयर बोर्ड मीटिंग टेक्स प्लेस, सच डिसीजंस, जो भी डिसीजंस लिए हैं, दैट विल बी सेट असाइड, दे विल नॉट ऑपरेट एंड कैन नॉट बी वैलिडेटेड। क्योंकि यार हम ऐसा मानते हैं कि आर्टिकल्स आपके वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, MOA एंड AOA, तो इसको अडहेयर अगर तुम एज अ कंपनी बोर्ड ही तुम अपना कोड ऑफ कंडक्ट में इसको अडहेयर नहीं कर रहे हो, तो बाहर वाले क्या खाक मानेंगे, तुम्हारे एम्प्लॉयज़ क्या मानने वाले फालतू, है ना?
तुमको खुद ही इसको अडहेयर करना चाहिए. रिस्पेक्ट योर आर्टिकल्स, जो उसमें स्पेसिफिक प्लेस लिखी है तो उसी पे बोर्ड मीटिंग होल्ड होगी. अगर ये, लेकिन अगर ये मैंशन है कि एट दिस प्लेस और एज एंड वेन डिसाइडेड बाय द बोर्ड, तब ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ वो एक स्पेसिफिक जगह का नाम लिखा है, तो आई एम सॉरी, तुमने अगर कहीं और कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले लिए हैं तो सारी मीटिंग्स तुम्हारी वैलिड नहीं मानी जाएंगी, कोई डिसीजंस तुम्हारा ऑपरेटिव नहीं होगा. तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आर्टिकल्स में क्या मैंशनड है प्लेस को लेके. वैसे तो आप रिमोटली भी कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट केस क्या है, अ कंपनी कैन होल्ड ऑल इट्स बोर्ड मीटिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली. समझ रहे हो कितना बढ़िया कन्वीनियंस की बात है. आप इलेक्ट्रॉनिकली, गूगल मीट होता है, जूम होता है, इलेक्ट्रॉनिकली अपने बोर्ड मीटिंग्स होल्ड कर सकते हो. लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है, बट रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स जो हैं रूल 4 ऑफ MBP रूल्स में दिया है, जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं उसके लिए फिजिकल कोरम होना चाहिए. फिजिकल कोरम शुड बी प्रेजेंट. आप रूल 4 ऑफ MBP रूल्स देख लेना, उसमें जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं आप इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होल्ड कर सकते. फिजिकल बोर्ड मीटिंग का कोरम क्या होता है, 1/3 और 2 मेंबर्स, विच एवर इज़ मोर. तो उतना फिजिकली रजिस्टर्ड ऑफिस में या फिर जो जहाँ भी बोर्ड मीटिंग आप होल्ड करना चाहते हो, फिजिकली इतने लोगों को वहाँ पे होना चाहिए, बाकी के लोग इलेक्ट्रॉनिकली जूम के थ्रू अटेंड कर सकते हैं मीटिंग. ठीक है, समझ में आया. 1 person, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड भी कर रहे हो तो 1 person शुड बी फिजिकली प्रेजेंट एट द वेन्यू इन इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग. मतलब कि कंपनी सेक्रेटरी अगर है तो उसको वेन्यू पर प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो सारे रिकॉर्ड्स वगैरह वहाँ पे मेंटेन करके रख ले. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये. तो नेक्स्ट केस देखते हैं. SS1 इज़ एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज. कोई भी कंपनी हो, तुम कितनी छोटी कंपनी हो, कितनी बड़ी कंपनी हो, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो या मेन बोर्ड पे नहीं हो, तुम अगर स्मॉल बोर्ड पे हो, कहीं पे भी हो, एक्सेप्ट फॉर 1 person कंपनी. बाकी सारी कंपनीज को SS1 फॉलो करना ही पड़ेगा. इसके लिए कोई थ्रेश होल्ड लिमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है. SS1 इज फॉर बोर्ड मीटिंग्स. OPC 1 person, एक आदमी होता है यार. OPC में कौन होता है, एक आदमी, वही शेयर होल्डर है, वही डायरेक्टर है. वो क्या अपने साथ ही थोड़ा ना वो मीटिंग करेगा बैठ के. ठीक है, ये लॉजिक है इस चीज़ का. ये हो गया. नेक्स्ट, इफ़ नोटिस इज नॉट सेंट टू ऑल डायरेक्टर्स. कंपनी में 8 डायरेक्टर्स हैं, तुमने नोटिस सिर्फ 6 को भेजा क्योंकि बाकी के जो 2 डायरेक्टर्स हैं उनसे तुम्हारी लड़ाई चल रही है. चेयरमैन जो है उसकी बाकी 2 लोगों से लड़ाई चल रही है. उसने कहा कि इन दोनों को तो हम भेजेंगे ही नहीं, छोड़ो यार इन लोगों को क्या ही पता चलेगा. ये सोच के चेयरमैन ने 2 लोगों को नहीं भिजवाया, CS को बोल दिया कि इन दोनों को मत भेजना. तो ये CS की भी गलती है, उसको नहीं मानना चाहिए. उसको चेयरमैन को बता देना चाहिए कि सर, रेजोल्यूशंस पास्ड एट सच मीटिंग्स जहाँ सबको नोटिस नहीं गया है विल नॉट बी वैलिड. अगर आप चुपचाप सीक्रेटली बिना 2 डायरेक्टर्स को बताए, बिना नोटिस भेजे मीटिंग आपने होल्ड भी कर ली ना, इट विल नॉट बी वैलिड. हो सकता है तुम सोचो कि यार इन 2 को क्या ही पता चलेगा, चलो छोड़ो नहीं बताते हैं. लेकिन सोचो फ्यूचर में इन दोनों ने कभी अगर मिनट्स इंस्पेक्ट करे या फिर इन लोगों को पता चला कि अरे कंपनी में ये लोन कब लिया कंपनी ने, हमें तो पता ही नहीं, बोर्ड रेजोल्यूशन दिखाओ ज़रा. इसने बोला CS को इन दोनों डायरेक्टर्स में, चलो बोर्ड रेजोल्यूशन दिखाओ, कब ये सब वेरीफाई हुआ, कब अप्रूव किया गया. तो अगर ये CS जो है ये रेजोल्यूशन की कॉपीज इनको दिखाएगा तो ये डायरेक्टर्स जो हैं ये दोनों ये कहेंगे अरे ये क्या चीटिंग है भाई, हमें क्यों नहीं इसका नोटिस आया था. तो ये दोनों NCLT के पास जा सकते हैं, इन दोनों के पास पावर है. ROC को कंप्लेन भी कर सकते हैं ये लोग कि ये देखो इन लोगों ने हमारे साथ चीटिंग करी है. और SS1 के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपके जो भी आपने रेजोल्यूशन चीटिंग में पास करे थे बिना बाकियों को बताए वो इनवैलिडेट हो जाएंगे. तो ये बेवकूफ़ियाँ मत करना, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना. ठीक है, नेक्स्ट केस, हम बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं, याद रखना. नोटिस शैल बी सेंट मिनिमम 7 days बिफोर द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑब्वियसली, बट अर्जेंट मैटर्स, कुछ बहुत ही अर्जेंट नेचर के मैटर्स हैं, हमें उन पर तुरंत एक्ट करना है, 7 दिन का हमारे पास टाइम ही नहीं है भाई. सो दोज कैन बी डिस्कस्ड एट शॉर्टर नोटिस ऑल्सो. हो सकता है 2 दिन का नोटिस या 1 दिन का ही नोटिस दे दिया, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया मेट होना चाहिए. क्योंकि यार अगर आपने, हो सकता है सेम डे ही अगर आपने सोचा कि आज ही मीटिंग बुला लो, तो हाँ शॉर्टर नोटिस पे आप कर सकते हो मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं है.
SS1 ने खुद ही बोला है शॉर्टर मीटिंग आप कर सकते हो शॉर्टर नोटिस पे, आज ही के आज। बट उसमें होना क्या चाहिए, आप जो नोटिस भेज रहे हो उसकी हेडिंग होनी चाहिए शॉर्टर नोटिस, वरना हम नॉर्मली हेडिंग क्या रखते हैं, नोटिस, नोटिस इज हियर बाय गिवन ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अब आप हेडिंग रखोगे शॉर्टर नोटिस, शॉर्टर नोटिस इज हियर बाय गिवन ब्ला ब्ला ब्ला। और क्या होगा उसके अंदर, रीजंस बताओ कि हम क्यों शॉर्ट मीटिंग रख रहे हैं, शॉर्टर नोटिस पे क्यों, मीटिंग शॉर्ट नहीं है, नोटिस हम इतना कम टाइम का क्यों दे रहे हैं, हो सकता है 2 घंटे में मीटिंग हो, विद इन 2 आवर्स, इतना शॉर्ट नोटिस क्यों, डायरेक्टर को मेल आया, डायरेक्टर ने तो कहा ओ शिट सिर्फ 2 घंटे, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द मीटिंग, मुझे क्या क्या डाउट्स हैं, मुझे वो सब पूछने के लिए लिस्ट तो बनानी पड़ेगी ना, मुझे रेजोल्यूशन वगैरह रीड तो करना पड़ेगा ना जिसमें चिपक के एजेंडा वगैरह आया है, 2 घंटे क्यों। तो डायरेक्टर्स जो जिनको भी शॉर्टर नोटिस मिलेगा दे विल बी अ लिटिल पिस्ड, दे विल बी लाइक ये क्या है यार इतना छोटा सा नोटिस। तो पहले ही आप जस्टिफाई कर दो रीजंस देके कि सर ये इशू है, बहुत अर्जेंट हमको एक्ट करने की ज़रूरत है, इस वजह से हम शॉर्ट नोटिस दे रहे हैं, ठीक है। फिर एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट इन सच मीटिंग, ताकि बाकी डायरेक्टर्स के साथ चीटिंग ना हो जाए। लेकिन ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनको एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं जिन कंपनीज़ में, उन कंपनीज की बात कर रही हूँ कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो उस मीटिंग में होना ही चाहिए, ठीक है। अगर वो भी नहीं था उस मीटिंग में तो बाद में मीटिंग हो गई, डिसीजंस हो गए, जो भी है आपको रेटिफाई कराना पड़ेगा 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से, जो भी रेजोल्यूशन पास हुए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रेटिफाई कराओ, वो सब रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने का ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आपकी कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना, तो किससे रेटिफाई कराओगे, ताकि माइनॉरिटी डायरेक्टर्स के साथ, हो सकता है 2 घंटे का नोटिस आपने दिया और 5 में से 3 डायरेक्टर्स नहीं आ पाए, ठीक है, नहीं आ पाए, नहीं अटेंड कर पाए, जो भी इलेक्ट्रॉनिकली तो नहीं अटेंड कर पाए, बिजी थे, 2 लोगों ने मस्त अपना चीटिंग में सोच रहे हैं चलो मज़े करते हैं और कर लेते हैं हम अपना इंडिपेंडेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मस्त अप्रूव कर लेते हैं खुद ही, तो इनको भी नहीं मानेंगे, ये छोटी कंपनी इनके साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, लेकिन इनको किससे रेटिफाई कराना पड़ेगा, ताकि ये जो बचे हुए 3 डायरेक्टर इनके साथ चीटिंग ना हो, इनको मेजॉरिटी डायरेक्टर से रेटिफाई कराना पड़ेगा। तो 5 का मेजॉरिटी कितनी होती है, 3, तो 2 ने चालाकी से रिजॉल्व दैट ब्ला 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 कंसेंट अकॉर्ड कर ली कंपनी की, लेकिन जो 3, अब इसका टोटल क्या होता है, मतलब मेजॉरिटी 3 हुई, तो इनको एटलीस्ट एक डायरेक्टर को और चिपकाना होगा कि यार तू भी इसको रेटिफाई कर दे, ठीक है, ओनली देन आपका ये शॉर्टर नोटिस के रेजोल्यूशन वैलिड माने जाएंगे। चलो इसका एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल देखो, एन आइटम, ये नेक्स्ट केस अब देखते हैं, वो केस ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट केस, एन आइटम नॉट इंक्लूडेड इन एजेंडा, हो सकता है हमने एक मीटिंग का, बोर्ड मीटिंग का नोटिस दिया, उसमें 3 एजेंडा थे, ठीक है, अब उसमें से कोई एक ऐसा एजेंडा है जो प्रपोज किया जा रहा है बोर्ड मीटिंग में ही, मीटिंग हमारी हो गई, 3 आइटम्स डिस्कस हो गए, अब चेयरमैन थैंक्स बोलने ही वाला था, एक डायरेक्टर है उसको बस चुलमची, उसने कहा अरे रुको 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 इस आइटम को भी लिख लेते हैं +1 कोई और आइटम है, तो ये तो भाई लिस्ट में था नहीं, तो अब क्या होगा, क्या हम इस न्यू आइटम को क्या हम लेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो कंसेंट फ्रॉम मेजॉरिटी डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ने बोल दिया कि चलो ठीक है लेट्स टेक दिस आइटम, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उस कंपनी में, उसने बोला कि ठीक है तो हम उसको ले लेंगे, उस आइटम को हम ले लेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे, उसको अप्रूव करना होगा तो करेंगे, और अगर कुछ डायरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं थे मीटिंग में तो हमें रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ऑलरेडी, ठीक है, उसने रेटिफाई कर दिया है, क्योंकि अगर कंपनी में 7 डायरेक्टर्स हैं, शॉर्टर नोटिस पे आ पाए केवल 4, बचे हुए 7 का 4 तो मेजॉरिटी ही होता है ना, तो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ने कंसेंट, 3 जो डायरेक्टर्स हैं उनको ऐसा लगे कि यार हमें चलो नोटिस आया बट हम आ नहीं पाए, और एजेंडा में एक चीज़ जो मेंशन नहीं थी तुमने वो कैसे पास कर ली, ऐसा इनको ना फील हो माइनॉरिटी डायरेक्टर्स को, इस वजह से इनका रेटिफिकेशन ज़रूरी होता है। तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मेजॉरिटी डायरेक्टर ने ही बोल दिया कि इस एजेंडा को ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो डायरेक्टर्स नहीं है उनके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, तो रेटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट लोगों ने ही बोल दिया, ठीक है, तो एजेंडा विल बी टेकन अप। नेक्स्ट केस, अगर मेजॉरिटी डायरेक्टर ने बोल दिया कि ठीक है लेट्स टेक अप दिस एजेंडा, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो कह रहे हैं नहीं,
जो तीन डायरेक्टर्स नहीं आए हैं, नहीं प्रेजेंट, उनके साथ चीटिंग होगी, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने बोला कि नहीं, आई विल नॉट गिव कंसेंट टू सच आइटम, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को प्रेफरेंस देते हैं कि वो कंपनी का भला सोच रहा है. सच आइटम शुड नॉट बी टेकन अप, समझ रहे हो, क्लियरली मैंशनड है, ले ही नहीं सकते तुम इस आइटम को, नो. तो फिर चेयरमैन क्या कहेगा, ओके आई विल गिव वोट ऑफ थैंक्स, अब नेक्स्ट मीटिंग के लिए आप इस एजेंडा को नोट कर लीजिए. ठीक है, अब इसी में एक केस और हो सकता है, एक सेकेंड. इफ नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज प्रेजेंट एट सच मीटिंग, इन लोगों ने चालाकी में खुद ही आपस में ही, दो लोग थे, दोनों लोगों ने, बाकी के डायरेक्टर्स फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाए, इन लोगों ने चालाकी करी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नहीं, चलो हम एक ऐसा आइटम डाल लेते हैं जो एजेंडा लिस्ट में नहीं है, सबको नोटिस गया, बट उस नोटिस की लिस्ट में जो एजेंडा आइटम नहीं, चलो हम चालाकी से खुद ही, दो ही लोग तो बैठे हैं, बस अपना भला कर लेते हैं खुद ही आपस में, डायरेक्टर ने सोचा, दो डायरेक्टर ने. तब क्या होगा, डिसीजन विल बी फाइनल. ठीक है, आपने अप्रूव करा लिया जो भी आपका है, बट वो डिसीजन फाइनल नहीं माना जाएगा तब तक जब तक उसको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेटिफाई नहीं कर देता. ठीक है, लेकिन अगर उस कंपनी में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, या फिर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो मेजॉरिटी से रेटिफाई कराना पड़ेगा. अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कहा कि नहीं ये गलत किया, तो दोनों ने आपस में ही बैठ के, जो दो लोगों ने मिलकर कर लिया है, बाकी के डायरेक्टर्स को भी प्रेजेंट होना चाहिए था, डिस्कशन होना चाहिए था, तो इट विल, अगर इसने रेटिफाई नहीं किया इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने, तो डिसीजन विल बी फेल्ड. ताकि ये जो दो डायरेक्टर्स हैं शॉर्टर मीटिंग में, जो ये लोग शॉर्टर नोटिस पे जो मस्त मीटिंग कर रहे हैं सोच के कि हम चालाकी में अपना भला कर लेंगे, नो, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेटिफिकेशन लगेगा ही लगेगा. ठीक है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका कुछ भी अप्रूव नहीं होगा. और क्या है, इफ ओनली वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेटिफाइज बट अदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डोंट रेटिफाई, स्टिल डिसीजन विल बी कैरिड थ्रू. हमें बेसिकली एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इसमें अप्रूवल चाहिए होता है. हम मान लेते हैं कि भाई बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने बोला कि नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मत लो इस एजेंडा को, एक को लग रहा है कि नहीं ठीक है, इसमें कंपनी का भला, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम मान लेंगे हमें बस एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इसमें अप्रूवल चाहिए होता है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस था विद रिस्पेक्ट टू शॉर्टर नोटिस. ठीक है, अब एक और छोटा सा दिखाती हूँ केस, ये तो एक लाइन का है. प्रोविजन फॉर स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी, इनके लिए SS1 ने क्या प्रोविजन बनाया है. तो मतलब कि SS1 वाले जो भी प्रोविजंस हैं स्मॉल कंपनी ओपीसी के लिए, या फिर बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड नहीं होते हैं स्मॉल कंपनी ओपीसी के लिए, कि इनको चार बोर्ड मीटिंग होल्ड करने की ज़रूरत नहीं, इनको बस इन ईच हाफ ईयर, ईच कैलेंडर ईयर दो मीटिंग, एक मीटिंग होल्ड कर सकता है, यानी टोटल साल में दो. तो यही सब कुछ एप्लीकेबल होगा एक स्टार्टअप को भी, क्योंकि स्टार्टअप को भी स्मॉल कंपनी ओपीसी हम मान सकते हैं. ठीक है, इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप. DIPP जो होता है, DIPP से रिकग्नाइज होना चाहिए वो स्टार्टअप. तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि तुम कल को किसी स्टार्टअप का, कोई स्टार्टअप है लेट्स से एक्स एंड को, कुछ भी स्टार्टअप है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी वाला कुछ स्टार्टअप है, तो ये सोच रहा है कि मुझे, हमें लीगल कंप्लाइंसेस के लिए कोई CS चाहिए, तो तुम बन गए इसके CS. अब तुम सोच रहे हो ये स्टार्टअप है यार, इस ये तो को अभी तो बहुत छोटा सा है, इसके लिए क्या ही बोर्ड मीटिंग और वो सब करनी होगी. तो नहीं, तुम गलत हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके लिए स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी वाले, इसको प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग जो भी है, ये पता होना चाहिए था तुम्हें, इसलिए मैंने ये बताया. और स्टार्टअप जब तक उसका रिकग्निशन है एज अ स्टार्टअप तब तक हो रहेगा, बाकी वरना उसके बाद फिर स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी वाले ही प्रोविजंस उस पर लगेंगे. अगर इसके लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल वो सब चीज़ें बढ़ गई, तो फिर इसको नॉर्मल प्राइवेट कंपनी की तरह हम मानेंगे, और अगर लिस्ट हो गया तो फिर LODR वो सब भी देखना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट SS1 में एक केस और है. तो ये जो SS1 है, ये हमने देखा कि ये OPC को एप्लीकेबल नहीं होता, कि एक आदमी एक डायरेक्टर अपने साथ क्या मीटिंग कर लेगा, है ना. सेम चीज़ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मीटिंग. क्यों, तुम सोचोगे यार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी तो डायरेक्टर होते हैं, उनके में क्यों नहीं एप्लीकेबल है. तो मैं बता दूँ, जो नॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, तो वो जो डिसीजंस लेते हैं उस डिसीजन के अकॉर्डिंग कंपनी वर्क करती है, स्टेक होल्डर्स इफेक्ट होते हैं. ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की साल में बस एक मीटिंग होनी होती है, वो भी किस लिए, ताकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को वो लोग चेक कर सकें और बताएं कि यार ये आलसी था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत किए, और ये वाला अच्छा था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसने अच्छे से काम किया, जो भी है.
तो इसीलिए स्टेक होल्डर्स और कंपनी का फंक्शनिंग को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मीटिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ हम एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस की तरह इसको मानते हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो मीटिंग है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल हैव अ मीटिंग वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर विदाउट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू डिस्कस एंड रिव्यू देयर परफॉर्मेंस। सही बात है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मीटिंग इज नॉट अ बोर्ड मीटिंग और अ कमिटी मीटिंग। ये कोई बोर्ड या कमिटी मीटिंग है ही नहीं, इसलिए इस पर SS1 नहीं एप्लीकेबल होगा। यही मैंने बताया अभी तुम्हें। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेकिन इनवाइट कर सकता है CS को, MD को या किसी और को भी अपनी मीटिंग में कि आप भी आओ। देखो CS तो अगर आएगा तो वो एज अ सेक्रेटरी एक्ट करेगा इनकी मीटिंग में। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, छोटा सा केस कोरम। कोरम का क्या है? अब इफ नॉर्मल कोरम के प्रोविजंस मैं नहीं बता रही हूँ, बोर्ड मीटिंग का तुमको पता है 1/3 या 2 विच एवर इज मोर। लेकिन हम बात कर रहे हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइटम की। किसी बोर्ड मीटिंग में इफ RPT आइटम इज डिस्कस्ड, ठीक है, रिलेटेड पार्टी का हो रहा है तो उसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होंगे ऑब्वियसली। इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है शैल नॉट बी प्रेजेंट, ना ही फिजिकली ना इलेक्ट्रॉनिकली। अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर बोल रहा है कि यार मैं जूम पे बस इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट होगा, मुझे बस सुनने दो तुम लोग, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो नहीं, वो प्रेजेंट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो इंटरेस्टेड है, वो मैनिपुलेट कर सकता है चीज़ों को अपने फेवर में। और इंडिपेंडेंस चाहिए हमें टोटली यहाँ पे, इसलिए हम जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है उसको हम ना फिजिकली ना इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट ही नहीं होने देंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्कशन एंड वोटिंग, मतलब तुम लोगों ने शार्क टैंक में भी देखा होगा, एक को इन्वेस्टमेंट आया था उसमें अनुपम मित्तल वॉज इंटरेस्टेड तो वोट के चला गया था बाहर बिकॉज ही शुड नॉट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द डिस्कशन एंड वोटिंग। क्योंकि ये जो है इंटरेस्टेड वाला, ये बैठ के बाकी डायरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, हो सकता है कुछ चीटिंग कर जाए, ठीक है। फॉर प्राइवेट कंपनी इंटरेस्टेड डायरेक्टर जिसकी शेयर होल्डिंग होती है more than 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल वो इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन्फॉर्म MBP 1, ठीक है, ये डिस्क्लोज करेगा। प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, इसमें पब्लिक का कोई लॉस नहीं है, इसलिए प्राइवेट कंपनी में मोस्टली जो डायरेक्टर्स होते हैं वह खुद ही शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। सो दे कैन डिस्क्लोज देयर इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेट एंड बी काउंटेड फॉर कोरम इफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट थ्रू E-मोड। अगर तुम सोचो इलेक्ट्रॉनिकली कोई प्रेजेंट है तो हाँ, उसको भी हम कोरम की तरह काउंट करते हैं एक्सेप्ट इन रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स। प्रॉक्सीज का क्या होता है? दे आर नॉट काउंटेड, दे आर नॉट अपॉइंटेड, सॉरी। आप डायरेक्टर हो, आपको डायरेक्टर ही इसलिए बनाया क्योंकि आपका दिमाग बहुत बढ़िया, आपको नॉलेज बहुत है। अब आप अपनी जगह अपने बेटे को भेज रहे हो ऐसा प्रॉक्सी नहीं। आप सिर्फ AGM और EGM में जो मेंबर्स होते हैं सिर्फ उनको ये बेनिफिट दिया जाता है, आप प्रॉक्सी कर लो, ठीक है। डायरेक्टर्स को तो डिस्कशन करना ही होता है बोर्ड मीटिंग में, तो बोर्ड मीटिंग में कोई प्रॉक्सी नहीं अपॉइंट किया जाता, ठीक है। डायरेक्टर को खुद आना है, नहीं आना है तो लीव ऑफ एब्सेंस ले लो। फिर इंटरेस्टेड चेयरमैन शुड वेकेट हिज चेयर, ऑफ कोर्स चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन एक इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उसका जो डिसीजन होता है वो डेडलॉक को हटाने के लिए काम आता है। मतलब कुछ लोगों ने, 4 लोगों ने बोला है कि फेवर में वोट कर रहे हैं, 4 ने बोला अनफेवर में वोट कर रहे हैं, वी आर नॉट इन द फेवर। अब ये जो चेयरमैन है इसका काम होता है ये जहाँ भी वोट दे देगा वो बन जाएगा डिसीजन कंपनी का। तो अगर ये खुद ही इंटरेस्टेड है तो चीटिंग हो जाएगी ना स्टेक होल्डर्स के साथ, इस वजह से इनको अपनी चेयर वेकेट करनी होगी। एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी में अगर डिस्क्लोजर दे दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट कंपनी में चलता है क्योंकि पब्लिक का इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का भी दिया है, ऑल बोर्ड मीटिंग्स शुड बी हेल्ड फॉर टेकिंग रेजोल्यूशन। बोर्ड मीटिंग में ही रेजोल्यूशन पास होंगे, लेकिन मतलब आपको बोर्ड मीटिंग इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली ही होल्ड करनी है रेजोल्यूशन पास करने के लिए। बट इफ़ बिजनेस रिक्वायर्स अर्जेंट डिसीजन, ठीक है, अगर अर्जेंट है और 1/3 ने बोल दिया है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास कर सकते हो, लेकिन 1/3 ने बोला नहीं हमें फिजिकल मीटिंग चाहिए तो आपका रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन फेल हो जाएगा, ठीक है। नोटिस एजेंडा और नॉट नेसेसरी फॉर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ऑब्वियसली इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हम सारे रेजोल्यूशन बोर्ड पेपर वगैरह ईमेल कर ही देते हैं सब डायरेक्टर्स को कि इसको रीड करके अपने आप जो टेबल है उसमें आप बता दो असेंट या डिसेंट,
रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन शुड बी अप्रूव बाय मेजोरिटी ऑफ अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर. ये तो मैंने अपना एक वीडियो कवर किया है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का, उसको तुम लोग जाके देख सकते हो. ये ख़त्म ऑलमोस्ट. बस लास्ट पॉइंट है, इफ मिनट्स आर नॉट प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द मिनट बुक देन इट विल बी प्रिज्यूम्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, खतरनाक है. अंडर सेक्शन 195 दैट नो मीटिंग टुक प्लेस. मतलब मीटिंग अगर है, मीटिंग करी है तो ठीक है, दिखाओ मिनट्स दिखाओ. ऐसे हम एज अ ऑडिटर भी चेक कर सकते हैं कि चलो मिनट्स दिखाओ. और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ये बोलेंगे मिनट्स तो इसके हमने नहीं बनाया, हमने सोचा कि छोड़ो हमारे पास सीएस नहीं है तो हम नहीं बना पाए एंड ऑल दैट. तो ये जो ऑडिटर ये कहेगा नो मिनट्स नो मीटिंग, मतलब कि हम मान लेंगे कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो बोर्ड मीटिंग आपकी मानी ही नहीं जाएगी, कंपनी ने डिसीजन लिया ही नहीं, क्योंकि मिनट्स एक एविडेंशियल इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं. बस इतना ही था ये. सो SS1 की ये इंटरेस्टिंग केसेस अगर तुम लोग को भी पसंद आए हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, और डिटेल में कुछ जानना हो तो वो भी बता सकते हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आया हो तो. थैंक यू.